हेलो गाइस, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत ही धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बयान सो रहा है अभी, तो किसी भी वक्त उठ सकता है क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया बयान सो रहा है और अभी जस्ट शाम होने को आया है। और अभी मैं हूँ किचन में क्योंकि जन्माष्टमी है और मेरा गोपाल तो बयान है। सो बयान के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाने की। बर्थडे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ना कि विहान को पायस कितना ज़्यादा पसंद आया था, तो आफ्टर राइस सेरेमनी उस दिन ही पहली बार विहान ने पायस खाया था, तो विहान को ना बहुत पसंद आया था। जो भी मतलब उसको आशीर्वाद देने के लिए आ रहा था तो सब कोई वो इशारा करके बोल रहा था कि पायस खिलाओ, पायस खिलाओ। और पायस खाना उसको इतना पसंद आया ना, एक्चुअली विहान को मीठा खाना पसंद है ज़्यादा, उसके पापा पे गया है उसको, मतलब शेखत को भी मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वियान को भी मैं देख रही हूँ कि उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक दिन फिर से मैं वियान के लिए पायस बनाऊँगी क्योंकि पसंद आता है बच्चा को। देखा आपने कितना मच्छर है ना यहाँ पे, तो इसलिए अभी मैंने दूध चलाया है गैस पे कि थोड़ा सा करके मैं पायस बनाऊंगी। और आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन लोग गोपाल को बहुत सब कुछ देते हैं, तो मेरा गोपाल तो विहान है। ये देखिए बच्चा उठ के कहाँ चला आया। विहान जब भी उठता है ना उठ के सीधा यहाँ पे आके बुलाता है। पहले बुलाया करो ना जब आप उठ जाओ, पहले नहीं बुलाता है जब यहाँ पे एकदम एंड पे आके। व्यान अच्छा बात ये है कि व्यान आके कभी मतलब नीचे आने की कोशिश नहीं करता है, यहाँ पे आके ऐसे झुक के क्या कर रहे हो बाबा, अच्छा मम्मा, यहाँ पे आके ऐसे झुक के मम्मा को बुलाता है। तो व्यान के लिए आज मम्मा पायस बनाएगा। ओके ओके ओके, क्या हुआ क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। व्यान खाएगा पायस? हाँ ओके, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो प्लानिंग में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है क्योंकि दूध ना बहुत ही ज़्यादा कम था मेरे पास, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सेवई बना दूँ, सेवई का जो खीर होता है वो, क्योंकि चावल की खीर के लिए दूध थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा और इतना दूध मेरे पास अभी है नहीं। आज सुबह एक्चुअली दूध नहीं लाए थे हम, तो वही अभी यही मैं थोड़ा सा बना के, मतलब थोड़ा सा ही विहान के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी, जस्ट विहान का हो जाए बस। तो इसलिए सेवई को मैंने रोस्ट करके डाल दिया है यहाँ पे, तो ये होता रहे और विहान अपने पीपी के साथ खेल रहा है। ये देखिए, सो गाइस ये बन गया विहान का सेवई का खीर। इतना ही बना है एक्चुअली, थोड़ा सा ही दूध बचा था तो इसको मैं ढक के रखती हूँ। और आज विहान को हम लोग थोड़ा सा टॉर्चर करने वाले हैं, मीन्स आज बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि आज विहान को गोपाल की तरह सजाया जाए। प्लान तो वही है पर ना विहान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको कपड़े पहनाओ, उसका कपड़े उतारो, उसको क्रीम लगाओ, मतलब कुछ भी लगाओ, उसको सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा इरिटेटेड हो सकता है, पर क्या करूँ,
ईयरली एक ही दिन आता है ऐसा, फिर नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए हमने सोचा है कि आज तो थोड़ा सा टॉर्चर कर ही लेता है। अभी भी उनका मूड थोड़ा सा फ्रेश है क्योंकि नींद से जग गया है। और हाँ, कुछ सामान मैंने मंगवाया था मेरे हस्बैंड से कि कुछ सामान लाना, जैसे ये है मोर मोर के पंख, सो ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। अभी ना बॉबी जो है ना वियान को यहाँ पे चोटी बांध रहा है, पर उससे भी उसको प्रॉब्लम होता है, उसको बांधना नहीं होता, उसको एक्चुअली ये सब कुछ पसंद ही नहीं होता है, तो वो कर रहा है। और ये जो मोर का पंख है ना, हम लोग यहाँ पे देंगे, जो कान्हा जी के यहाँ पे रहता है वो। और बांसुरी नहीं मिली, एक्चुअली बांसुरी ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जो बांसुरी 10 रुपए करके मिलता है मेले में, वही सेम बांसुरी आज 150-200 रुपए का है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं लेके आए। तो उन्होंने कहा कि घर में बनाएंगे, तो ये कहाँ से एक थोड़ा सा एक लकड़ी का एक टुकड़ा उन्होंने एक मतलब जुगाड़ लगाया, फिर कुछ कुछ चीज़ें लाई हैं, जैसे कि ये जरी कहाँ से वो लेके आए हैं, तो इस जरी को बॉबी ने ही ऐसे रैप करके दिया है। और ये जो मोर के पंख देख रहे हो ना, तो ये भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो ऐसे 3 लेके आए थे, तो एक यहाँ पे लगा दिया है वियान को। वियान को मैंने इसको ऑलरेडी पकड़ाया था, पर वियान इसको पकड़ के रख देता है, फिर मैं जब वियान को दिखा के ये खेल रही थी ना, तो वियान मेरे हाथ से लेके ऐसे देख के फेंक रहा था, तो पता नहीं ये उसको पसंद आया है या नहीं, मुझे लगता है कि ये उसको पसंद नहीं आया। ये एक ही पंख यहाँ पे लगा है, और पंख एक्चुअली यहाँ पे रखने का वजह भी नहीं है, क्योंकि वियान तो बदमाश है ना, ये वो ऐसे तोड़ देगा। और 2 है, अच्छा होता अगर इसका इयररिंग बना के मैं पहनाती वियान को, पर कैसे पहनाऊँ इसको, नहीं पहना सकती इससे इयररिंग्स। हाँ, तो ये है बांसुरी वियान का, DIY बांसुरी। और मैं थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा निकालती हूँ, कुछ जुगाड़ लगाती हूँ कि कैसे सजाना है वियान को, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वियान का जो धोती है ना वो बेड के अंदर है, और बेड के अंदर मैं अकेले निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वियान भी है, तो बॉबी और मैं हम दोनों निकाल सकते हैं, पर वियान को कौन रखेगा, ये मुश्किल है। तो कुछ ज्वेलरी मैंने निकाली है वियान के लिए, ये वियान का पायल है जो अभी मैं नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि पायल का ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो झुनझुन करती है ना, ये थोड़ा सा टूटने लगा है, तो वियान को चोट पहुँचता है, इसलिए बहुत दिन हो गया है मैंने इसको निकाल लिया है। और वियान का सोने का चेन, और ये वियान का बाजू जो यहाँ पे पहनता है ये, पर मैं सोच रही हूँ कि बड़ा क्या मैं पहनाऊँ, मीन्स बड़ा कोई चेन अगर होगा तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो ये कमरबंद है एक वियान का पुराना, अगर ये आता है ना तो अच्छा लगेगा ना, ये अगर एज अ माला, पता नहीं देखती हूँ मैं, पहले पहनाती हूँ। और वियान का ना यहाँ पे जो श्रृंगार है ना, ये लगा दिया, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हमें ना मोबाइल का सहारा लेना पड़ा, बॉबी ने जस्ट अभी अभी किया मोबाइल दिखा के, ताकि बेबी थोड़ा सा बिजी रहे, और यहाँ पे लगा दिया श्रृंगार, मैं दिखाती हूँ, वरना तो वियान लगाने नहीं देगा, वियान इस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। चलिए मैं वियान से मिलवाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए ताकि वियान को तिलक लग गया है, ऐसे भी करके लगाया गया, एंड ऊपर एक चोटी बनाया गया, और अभी ज्वेलरी पहना जाएगा, ध्यान अभी ज्वेलरी पहनेगा।
तो गाइस सजाना ऑलमोस्ट हो गया है, बस अभी उसका जो धोती पहनाना बाकी है, बियान का राइस सेरेमनी का धोती है वही हम पहनाएंगे। पर ना मैं भूल गई कि वो बेड के अंदर है। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आ जाओ जल्दी जल्दी आज घर, बस क्योंकि बियान का कभी भी मूड ऑफ हो सकता है और फिर वो चिल्लाने लगेगा नहीं, फिर नहीं पहनेगा, तो इसलिए। और ये देखिए बियान, और ये रहा बियान। बियान को विहान को तो जस्ट सब कुछ सजा के रखा है हमने। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है और मैं थोड़ा थोड़ा करके खीर खिला रही हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा मूड भी उसका अच्छा रहे। और यहाँ पे है मोर पंख, यहाँ पे भी है। हाँ यहाँ पे भी है। बस अभी धोती पहनाने का इंतजार है, वरना हमारा गोपाल तो डायपर पहना हुआ है। आ चुके हैं और बियान को हमने धोती पहना दिया है, पर बियान ने ना इस जरी को बियान ने देख लिया है कि इस जरी से उसका जो माथे पे यहाँ पे बंधा हुआ है, क्योंकि जब हमने इसको बांधा था ना, मोबाइल दिखा दिखा के इसको बांधा था, मोबाइल दिखा दिखा के सिंगार हुआ है बियान का, तो उसको पता नहीं चला, लेकिन अचानक से उसको लगा, उसने ऐसा खींचा तो उसने देखा कि ये जरी है, निकल आया, बस उसका रोना चालू, तब से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम अभी तो। मेरे हस्बैंड आने के बाद बेड से हमने निकाला धोती को, धोती पहनाया तो दिया है, पर अभी बियान रोने लगा है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड उसको थोड़ा सा बाहर घुमाने लेके गए। एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड के पास ना एक डॉग है, सो उसको देख के बियान बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। ओके बियान आ गया, मैं दिखाती हूँ। ए मम्मा, ओ काके देखे काके, मम्मा पापा मम्मा मम्मा एचो 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 छोड़ना, ए जी मम्मा कम 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 कम। देखिए देखिए बियान खाच्चे ना कि बियान खाच्चे एकटा तो
पापा ने आज इतना बदमाशी किया ना, एक भी ढंग का पिक्चर आई डोंट थिंक कि आया है। हमने कोशिश तो किया है लेकिन सारा हेजी 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 या फिर बयान रो रहा है ऐसा करके आया है, एक भी ढंग का पिक्चर मिला ही नहीं हमें। और वीडियो हमने लेने की कोशिश किया है, आई थिंक कि अच्छा ही आया होगा, पता नहीं, अभी देखने से पता चलेगा कि वीडियो ठीक ठाक आया है या नहीं। और सब कुछ जब हमने खोला ना बयान का, तब बयान इतना मज़े से इतना खुशी से इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम ऐसे करके वो क्रॉलिंग करते हुए जा रहा था, तब इतना खुश था। लेकिन जब हमने उसको गोपाल सजाया, ही वॉज नॉट दैट हैप्पी। और वो मतलब इरीटेटेड फील कर रहा था, रो रहा था। एक्चुअली गर्मी भी है ना, उसको पसंद नहीं आ रहा था, और उसको वैसे भी सजना संवरना ये सब कुछ उसको पसंद ही नहीं होता है। जैसे वो बांसुरी में जरी लगा हुआ है ना, वो थोड़ा सा उसको हाथों में लगता है तो उसको वो भी पसंद नहीं होता है टच करना। आउटफिट चेंज किया है क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने बंगाली चैनल के लिए एक वीडियो शूट किया है, और यहाँ पे है वियान जो खेल रहा है। जब मैं शूट करती हूँ ना तो वियान को दूसरे रूम पे रखती हूँ, तो वहाँ से चिल्लाने का आवाज़ आता है कि वियान को मेरे पास रहना होता है ना बाबा। नो नो नो, वियान को मेरे, नो 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 वियान को मेरे पास रहना होता है, इसलिए वो थोड़ा सा रोता है। इसलिए लास्ट मोमेंट पे मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ वियान को, कि वियान मुझे देखेगा और रोएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगा, इसको बस मम्मा चाहिए होता है। नो 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 नो, ए दे तुम अपन इतना बाशी बाशी। ये वियान को पसंद ही नहीं होता है ये जरी वाला कुछ, ए पसंद होता है वियान को? नहीं पसंद होता है, ऐसे फेंकता है। और वियान कल से एक नया चीज सीखा है, वियान करो ऐसा ऐसा करता है वियान, जब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना वियान ऐसा करता है। करो करो वियान, ए जे पापा, ए जे आमा दिखे ताको। और गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, क्योंकि अभी जाते हैं हम लोग डिनर करने। और कैसा लगा वियान को बाल गोपाल की तरह सजते हुए देख के, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरा एक बंगाली चैनल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।